तवाज़ीन हुआ यूं कि सेठ मेहूमल मिलवानी मिलावट के उस्ताद थे। वो धनिये में घोड़े की लीद, घी में चर्बी और बेसन में पिसा हुआ पत्थर इस महारत से मिलाते थे कि जैसे नेता लोग लोकतंत्र में सांप्रदायिकता मिलाते हैं। मगर सेठ मेहूमल मिलवानी भगवत भक्त भी थे, रोज घंटों भगवान की पूजा में गुजारते थे। तो जब सेठ जी मर गए तो देवदूत उन्हें लेने आए। उस लोक लेकर पहुंचे तो वहां चित्रगुप्त ने उनका रिकॉर्ड भगवान के सामने पेश किया। भगवान ने उस रिकॉर्ड को गौर से देखा और फरमाया कि सेठ, तुम्हारा रिकॉर्ड बताता है कि तुमने 3 लाख घंटे मेरी पूजा में गुजारे हैं। सेठ जी खुश हुए, कहने लगे, जी भगवान, मैं तो बहुत बड़ा भगवत भक्त हूं। भगवान ने कहा कि जाओ सेठ, मैंने तुम्हें स्वर्ग दिया, जाओ और अनंत काल तक सुख हो। भगवान के कहने पर सेठ के लिए स्वर्ग में बढ़िया कमरा अलॉट कर दिया गया। उसके बाद उनके लिए भोजन परोसा गया। भोजन की खुशबू ऐसी थी कि सेठ की भूख जाग गई। सेठ ने बड़े उत्साह में पहला कौर उठाया और मुंह में डाला, मगर भोजन का पहला कौर मुंह में डालते ही सेठ ने थू थू करके थूक दिया। उस भोजन में नीम की पत्ती की मिलावट कर दी गई थी। सेठ जी ने पानी उठाया पीने के लिए, मगर पीते ही उनके मुंह में कीड़े काटने लगे। सेठ जी उस दिन भूखे ही लेट गए। आधी रात हुई तो जिस कमरे में वो लेटे थे उसकी दीवारों से लोहे की नुकीली सलाखें निकल आई और सेठ जी के चुभने लगी। सेठ जी उस दिन पूरी रात सो नहीं सके, बेचैनी में रात काटी। और जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने स्वर्ग के एक अधिकारी को बुलाया, उससे कहा कि मुझे विधाता के पास ले चलो, ये तुम्हारा कैसा स्वर्ग है। स्वर्ग के अधिकारी ने कहा कि विधाता ने आपके लिए स्वर्ग में नरक की मिलावट करने का हुक्म दिया है।